हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जी हां, आज ये बायोलॉजी का क्लास नहीं है, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। 11, 12 वाले स्टूडेंट आप लोग क्या करिए, क्लास 10 के स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, फिर जानेंगे क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। लेकिन सबसे पहले कुछ अम्ल का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में आगे जब भी हमको अम्ल लिखना होगा तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो एक तरफ से हम लोग 8-10 अम्ल का नाम, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं अम्ल, एसिड, और दूसरे साइड लिखेंगे उसका अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एक तरफ हो गया नाम, अम्ल का नाम, और एक तरफ होगा अणुसूत्र। कुछ अम्ल का जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थोड़े हिंदी में लिखते हैं ताकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। HCl होता है फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। HBr, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, HI, फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4, एक होता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3, एक लिखते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, HNO2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अम्ल का नाम और उसका जनरल फॉर्मूला लिखे हैं, जनरल उसका अणुसूत्र लिखे हैं, सामान्य उसका अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब हम लोग चैप्टर में आगे जब भी अम्ल का हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे, हिंदी में नाम नहीं लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये अम्ल होता क्या है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि अम्ल क्या होता है, है ना। अम्ल, एसिड होता क्या है। एसिड शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड
एसिडस से हुई है। एसिड शब्द बना है लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से, और एसिडस का अर्थ होता है सौर, सौर यानी कि खट्टा, सौर यानी कि खट्टा। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। जैसे नींबू का रस खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, सेब खट्टा होता है। तो जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है वो कहलाता है अम्ल। ये पुराना परिभाषा था, लेकिन एक साइंटिस्ट आए आर्हेनियस, और आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा एक अलग तरीके से दिया। आर्हेनियस ने क्या किया, HCl को पानी में घुलाया, तो HCl टूट करके बना लिया हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। H2SO4 को पानी में घुलाया तो ये टूट के बना लिया हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन SO4-2-। हाइड्रोजन दो पीस है तो हाइड्रोजन आयन भी यहाँ दो पीस बनेगा। HNO3 को पानी में घुलाया तो ये भी पानी में घुल करके बना लिया हाइड्रोजन आयन और प्लस नाइट्रेट आयन NO3-। H2CO3 को पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल करके बना लिया हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बोनेट आयन CO3-। कार्बोनेट आयन 2- होगा और हाइड्रोजन यहाँ पर दो पीस, यहाँ दो लगेगा, ठीक है। CH3COOH इसको पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल करके बना लिया हाइड्रोजन आयन प्लस एसीटेट आयन CH3COO-। ये वह सभी पदार्थ है जो कि जल में घुलता है और घुल करके आयनों का निर्माण करता है, जिसमें से हमको एक कॉमन आयन नज़र आ रहा है, वो है हाइड्रोजन आयन। ये जितना भी पदार्थ है ये सब जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन सबको ही बना रहा है। और पता चला कि इसी हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल में अम्लीय गुण पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन ना हो तो अम्ल में अम्लीय गुण नहीं होगा। तो आर्हेनियस ने कहा कि वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है उसे ही अम्ल कहते हैं। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सभी जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, इसलिए ये सभी अम्ल है। तो अम्ल का परिभाषा क्या बोलेंगे, बोलेंगे वह रासायनिक पदार्थ, लिख देते हैं शॉर्ट में, लिखते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है या प्रदान करता है उसे ही अम्ल कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, उसे ही अम्ल कहते हैं। क्या ये परिभाषा समझ में आ गया? अब जब भी अम्ल जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन तो बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन तो बनेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। ये बना हुआ हाइड्रोजन आयन जल में अधिक समय तक नहीं रह सकता है, तो फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन इस जल अणु के साथ में जुड़ जाएगा। बना हुआ हाइड्रोजन आयन जल के साथ जुड़ जाएगा, प्लस H2O के साथ जुड़ जाएगा। और जब हाइड्रोजन आयन जल अणु के साथ जुड़ता है तो बनाता है एक अलग आयन जो कहलाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है ना। बना हुआ हाइड्रोजन आयन जल में लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए यह हाइड्रोजन आयन जल अणु के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा एक अलग आयन
क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मूला क्या होता है? H3O+। क्या इतना समझ में आया? अम्ल में अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन के कारण या हाइड्रोनियम आयन के कारण आता है। कोई भी अम्ल जो अम्लीय होता है, इसका मतलब है कि उसमें अम्लीय गुण इस हाइड्रोजन आयन के वजह से या हाइड्रोनियम आयन के वजह से आता है। और अम्ल केवल जल की उपस्थिति में ही, केवल जल में ही जा करके, जल में ही घुल करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। अगर अम्ल को जल ना मिले तो वह हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करेगा। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल में अम्लीय गुण नहीं पाया जाता है। अम्ल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि द्रवित अम्ल, लिक्विड एसिड, इसका यही मतलब होता है। लेकिन अम्ल जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अम्ल के साथ वाटर मिक्स है, जल मिला हुआ है। अगर अम्ल में जल ना हो, जैसे कि जब बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब सिर्फ HCl नहीं होता, उसके साथ में वाटर भी मिक्स है, जल भी मिक्स है। और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुला हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बना हुआ है। इसी हाइड्रोजन आयन के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्लीय गुण पाया जाएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम सारे वाटर को हटा दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पानी को हम हटा दें, तो सिर्फ HCl बचेगा, जिसमें कुछ भी पानी ना हो, वो HCl गैस के रूप में रहेगा। और तब हम उसको कहेंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सारे पानी को हम हटा दें तो हाइड्रोक्लोरिक जो जिसको पहले अम्ल कहते थे वो गैस बन जाएगा, और हम उसको कहेंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में तो वहाँ पानी है नहीं। अब पानी नहीं रहने के कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस टूट करके हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करेगा, और जब वह हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं करेगा तो उस शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में अम्ल का कोई भी लक्षण देखने के लिए नहीं मिलेगा। याद रखना है कि अम्ल में अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के कारण आता है, और अम्ल केवल जल में घुल करके ही हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। अगर अम्ल को जल ना मिले तो वह हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर सकेगा, और इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, जिसका फॉर्मूला HCl होता है, उसमें पानी नहीं पाया जाता है, इसलिए वह हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा, और इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में अम्ल का एक भी लक्षण देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्ल में अम्लीय गुण पाया जाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हम लोग समझते हैं अब हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। पहले समझते हैं ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होता है और हाइड्रा अम्ल क्या होता है? जिस अम्ल में ऑक्सीजन मौजूद हो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, जिस भी अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उसको हम कहते हैं ऑक्सी अम्ल। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है ना ऑक्सीजन। और जिस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr हो गया, हाइड्रोआयोडिक अम्ल HI हो गया, हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN हो गया। HCN को कहते हैं हाइड्रोसायनिक अम्ल। HCN को कहते हैं हाइड्रोसायनिक अम्ल, ठीक है ना।
कोई भी अम्ल है, अम्ल में निश्चित रूप से हाइड्रोजन होगा। बिना हाइड्रोजन के कोई अम्ल अम्ल हो ही नहीं सकता है। बिना हाइड्रोजन के वो अम्ल हो ही नहीं सकता है। अम्ल में हाइड्रोजन जरूर होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के साथ साथ अम्ल में ऑक्सीजन भी है तो उस अम्ल को कहेंगे ऑक्सी अम्ल, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो केवल हाइड्रोजन है तो हम ऐसे अम्ल को कहेंगे हाइड्रा अम्ल। क्या यह समझ में आ गया? हम लोग समझते हैं अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल इधर से होगा शायद, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। क्या है ये? अभी हम लोग समझ गए कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। तो तीन अम्ल याद रखना है, कौन कौन? एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये तीनों वह अम्ल है जो जल में पूर्ण रूप से घुलेगा, बहुत बढ़िया से घुल जाएगा, और जितना अच्छा से घुलेगा उतना ही अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बना के देगा। तो ऐसे अम्ल को हम कहेंगे प्रबल अम्ल, एक अच्छा क्वालिटी का अम्ल कहलाएगा, क्योंकि इसके घोल में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो इसमें ज़्यादा अम्लीय गुण देखने के लिए मिलेगा। वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसी को कहते हैं प्रबल अम्ल। और यही तीन एग्जाम्पल याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। बाकी जितना भी अम्ल हो जाएगा, जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रोआयोडिक अम्ल HIETC, जितना भी बाकी हो जाएगा, ये सब वैसा अम्ल होता है जो जल में कम मात्रा में घुलता है, यानी कि आंशिक रूप में घुलेगा। ये सब जल में बहुत बढ़िया से नहीं घुलता है, ये थोड़ा कम घुलेगा। और कम घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन भी कम बनाएगा, हाइड्रोजन आयन कम बना तो हम ऐसे अम्ल को कह देंगे दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, कमजोर अम्ल कहलाएगा। इसमें इसके घोल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होगी, इसमें अम्लीयता का गुण थोड़ा सा कम होगा। प्रबल अम्ल का मतलब वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या है? वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप में घुलकर, मतलब कम मात्रा में घुलकर, कम मात्रा में ही हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। ये तीन हो गया प्रबल अम्ल, बाकी जितना भी अम्ल होगा वो सब होगा दुर्बल अम्ल। क्या ये समझ में आ गया? आगे हम लोग समझते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, सांद्र अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और तनु अम्ल को कहते हैं डाइल्यूट एसिड। जब हम कहते हैं अम्ल तो अम्ल का मतलब होता है कि अम्ल में पानी भी मिक्स है। जब हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो सिर्फ HCl नहीं हुआ, HCl के साथ में H2O भी मिक्स है। जब हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब है कि H2SO4 के साथ वाटर H2O भी मिक्स है। यानी कोई भी अम्ल जब हम कहते हैं तो अम्ल का मतलब उसके साथ में पानी भी मिक्स है। अब अगर अम्ल में पानी की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल में अगर पानी कम अम्ल ज़्यादा हो, ठीक है ना, ऐसे अम्ल को कह देते हैं सांद्र अम्ल, अच्छा क्वालिटी का अम्ल कहलाएगा। और वैसा अम्ल जिसमें अम्ल कम और पानी ही बहुत ज़्यादा हो, पानी ही ढेर सारा हो, ठीक है ना, तो वैसा अम्ल जिसमें कि अम्ल कम और पानी ज़्यादा हो जाए, पतला पतला अम्ल, उसको बोल देंगे तनु अम्ल।
ठीक है ना। तो सांद्र अम्ल का मतलब है कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है, जिसमें जल की मात्रा कम होती है, लिख देते हैं जल की मात्रा कम होती है उसको कह देंगे सांद्र अम्ल, और वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उसको कह देंगे तनु अम्ल। अब एग्जाम्पल में कोई भी अम्ल सांद्र भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4, और एक हम कहते हैं यहाँ पर सांद्र, इसमें बोलेंगे तनु H2SO4, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी कम और अम्ल ज़्यादा है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल कम है और उसमें, यानी अम्ल का मात्रा कम है, उसमें पानी ही ज़्यादा है। ये पतला टाइप का अम्ल होगा और ये गाढ़ा टाइप का अम्ल होगा, होगा कि नहीं। तो सांद्र अम्ल का मतलब वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो उसको कह देंगे सांद्र अम्ल, और तनु अम्ल वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो उसको बोल देंगे तनु अम्ल। कोई भी अम्ल सांद्र भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पानी कम हो बोलेंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पानी बहुत सारा हो, ज़्यादा हो पानी, उसको बोल देंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक ही अम्ल का दो दोनों फॉर्म होगा, ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग अम्ल को समझ गए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होता है, ठीक है ना। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। अब क्षारक, या इसी को कहते हैं भस्म, क्षारक या भस्म, बेस, ये क्या है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वा या कस्सा होता है उसको क्षारक या भस्म कहते हैं। जैसे हमको नीम का दतमन, जब नीम का दतमन मुदोते हैं तो हमको कस्सा लगता है, वो स्वाद में कस्सा होता है। आंवला स्वाद में कस्सा होता है, टूथपेस्ट भी स्वाद में कस्सा होता है, मीठा भी लगता है लेकिन कि कस्सापन भी रहता है। अब जैसे डावर लाल दंत मंजन पाउडर वाला, रेड वाला, मुंह पूरा तितकट कर देता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें भी क्या है, क्षार है। क्षार स्वाद में, क्षार या क्षारक, उसका स्वाद जो है ना वो कड़वा या कस्सा होता है। पहले यही कहा जाता था जो पदार्थ स्वाद में कड़वा या कस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। लेकिन आर्हेनियस ने कहा, आर्हेनियस ने क्या किया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुलाया, ये पानी में घुल करके बना लिया सोडियम आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल कर बना लिया पोटेशियम आयन के प्लस और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल करके बना लिया कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH डबल है तो यहाँ दो लगा देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल के बना लिया मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस और हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस, यहाँ दो लगेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल करके बना लिया अमोनियम आयन NH4 प्लस और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH को पानी में घुलाया तो ये पानी में घुल के बना लिया लिथियम आयन Li प्लस और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल 2, इसको भी पानी में घुलाया तो ये घुल के बना लिया बेरियम आयन Ba2 प्लस और बना लिया हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस, यहाँ लगेगा 2। तो आर्हेनियस ने क्या किया, इन सभी पदार्थों को जब जल में घुलाया तो एक कॉमन आयन दिखाई पड़ा और वो कॉमन आयन था हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH-OH-OH-। इसी हाइड्रो ऑक्साइड आयन की उपस्थिति के कारण क्षार में क्षारीय गुण आता है, या क्षारक में क्षारकीयता का लक्षण, या भस्म, क्षारक या भस्म एक ही होता है, उसमें क्षारकीयता वाला लक्षण, क्षारीय लक्षण देखने के लिए मिलता है। तो कहा
कि वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोऑक्साइड आयन का निर्माण करता है, वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोऑक्साइड आयन OH- माइनस का निर्माण करता है उसी को कहते हैं क्षारक। ठीक है ना, वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोऑक्साइड आयन OH- आयन हाइड्रोऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसको बोलते हैं क्षारक या भस्म कहते हैं। क्या ये परिभाषा समझ में आया? ऐसे भी ध्यान में रखना है कि धातु का जो हाइड्रोऑक्साइड होता है, किसी भी यौगिक के लास्ट में, नाम के अंत में अगर हाइड्रोऑक्साइड लिखा हुआ मिल जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जितना भी हाइड्रोऑक्साइड वाला यौगिक होता है वो सब कहलाता है क्षारक या भस्म। और इसका एक लक्षण होता है कि ये जल में घुल करके हाइड्रोऑक्साइड आयन का निर्माण करता है, और हाइड्रोऑक्साइड आयन की उपस्थिति के ही कारण क्षार में क्षारीय गुण पाया जाता है, क्षारक में क्षारकीयता का लक्षण पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आया? अब परिभाषा से तो ऐसा लग रहा है कि जितना भी क्षारक होता होगा वो सब जल में घुल जाता होगा, लेकिन सभी क्षारक जल में नहीं घुलता है। जल में जो क्षारक घुल जाएगा उसको कहेंगे क्षार, जल में जो क्षारक घुल जाता है उसको कहते हैं क्षार। ठीक है ना, जल में जो क्षारक घुल जाता है उसको बोलते हैं क्षार। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब तो जल में घुल ही रहा है तो ये सब कहलाएगा क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इधर लिखते हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं एल्कली, क्षार एल्कली कहते हैं। जो जल में घुल जाएगा उसको क्या कहेंगे? क्षार यानी कि एल्कली कहेंगे। ये सब क्षारक जल में घुल रहा है इसलिए ये सब क्षार कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल यहीं से लिख देते हैं, कुछ एग्जांपल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया BaOH का होल 2, ठीक है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया LiOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH का होल 2, etc. ये सब जल में घुल जाता है इसलिए इन सब को हम कहेंगे क्षार। ये सब वह क्षारक है जो जल में घुलता है इसलिए इसको बोलेंगे क्षार। कुछ क्षारक ऐसा होता है जो कि जल में घुलता ही नहीं है, वह अवक्षेप बन करके रह जाएगा लेकिन कि नहीं घुलेगा। जो जल में नहीं घुलता है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 2, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3, etc. जल में नहीं घुलता है इसलिए यह क्षार नहीं है, इसलिए यह क्षार नहीं है। ये सब कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब वैसा क्षारक है, सबके नाम के अंत में हाइड्रोक्साइड लग गया ना, हाइड्रोऑक्साइड लगने का मतलब है कि ये सब क्षारक है लेकिन कि ये पानी में नहीं घुलेगा। जब भी ये पानी में जाएगा गाढ़ा थक्का पदार्थ के रूप में नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में बनेगा। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? किसी लिक्विड में किसी अभिक्रिया के दौरान अगर कुछ गाढ़ा थक्का पदार्थ लिक्विड के नीचे बैठ जाए, घोल के नीचे बैठ जाए, तो हम उस गाढ़े थक्के पदार्थ को कहते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं।
तो ये सब जब भी अभिक्रिया के दौरान बनेगा अवक्षेप के रूप में बनेगा। अवक्षेप बनने का मतलब ही है कि वो पानी में घुलने रहा है। अवक्षेप बनने का मतलब ही है कि ये पानी में घुलता नहीं है। तो कुछ क्षारक ऐसा होता है जो कि जल में घुलता नहीं है, तो ये सब जो क्षारक है इसको हम क्षार नहीं कह सकते हैं, लेकिन इधर जितना क्षारक है ये सब पानी में घुल रहा है, इसलिए इन सब को हम क्षार कहेंगे। मतलब ये कि सभी क्षार क्षारक होता है, सभी क्षार निश्चित रूप से क्षारक होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। ये सब क्षारक है लेकिन कि ये क्षार नहीं है, लेकिन जितना ये सब क्षार है अक्षार है तो फिर क्षारक भी है। सभी क्षार क्षारक होता है लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षारक बोलें या क्षार बोलें, ठीक है, और दुर्बल दुर्बल क्षारक बोलें या क्षार बोलें, ठीक है ना। हम लोग अभी समझे कि क्षारक या क्षार वह रासायनिक पदार्थ होता है जो कि जल में घुलकर हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाता है। तो दो चार क्षार ध्यान में रखना है, जैसे सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोऑक्साइड, ऐसे दो ही काफ़ी है ध्यान में रखना, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड को भी ध्यान में रखना है और बेरियम हाइड्रोक्साइड को भी ध्यान में रखना है। ये सब ऐसा क्षार है जो जल में पूर्ण रूप से घुलता है, बहुत अच्छी तरह से घुलता है, और जो जितना बढ़िया से घुल जाएगा वो उतना ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाएगा। तो ये सब ऐसा क्षार है जो जल में पूर्ण रूप से घुलता है और अधिक मात्रा में हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाता है, तो हम ऐसे क्षार को कहते हैं प्रबल क्षार, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली कहलाएगा। दुर्बल क्षार क्या होता है? इसके बाद जितना भी क्षार हो जाएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ईटीसी, जितना भी बाकी क्षार हो जाएगा ये सब जल में कम घुलता है, आंशिक रूप में घुलेगा और कम मात्रा में ही हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाएगा। तो ये सब थोड़ा कम घुलेगा, थोड़ा कम मात्रा में हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाएगा, तो हम इसी को कहते हैं दुर्बल क्षार, इसको बोल देंगे दुर्बल क्षार। क्या ये समझ में आया? वह क्षार जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाता है उसको कहते हैं प्रबल क्षार, ठीक है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो नाम ही काफ़ी है, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार में आता है। इसके बाद दुर्बल क्षार, वह क्षार जो जल में आंशिक रूप में घुलकर, मतलब कम मात्रा में घुलकर, कम मात्रा में ही हाइड्रोऑक्साइड आयन बनाता है, उसको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं अब लवण के बारे में। लवण क्या होता है? लवण साल्ट, ठीक है ना, लवण क्या होता है, ठीक है, लवण समझते हैं। हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करा देते हैं। हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया करा देंगे। तो अभिक्रिया के बाद दो पदार्थ बनेगा, एक तो बनेगा जल, जल के साथ दूसरा जो भी यौगिक बन जाएगा वही कहलाएगा लवण। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अभिक्रिया होगा। तो किस तरह से अभिक्रिया होगा? कोई भी अम्ल है, अम्ल में हाइड्रोजन जरूर होता है, या हाइड्रोजन, ठीक है, और कोई भी क्षार है तो क्षार में हाइड्रोऑक्साइड जरूर होता है, ठीक है ना, क्षार में हाइड्रोक्साइड जरूर होता है। तो अम्ल का हाइड्रोजन और क्षार का OH मिल करके बना लेगा H2O, जल बना लेगा, H H O H2O बन गया, जल बन गया, H2O बन गया,
और ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में जुड़ करके बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होगा, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोडियम आयन Na+ और हाइड्रोक्साइड OH- से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना। तो आयन का हो जाता है अदला बदली, मतलब ये कि इधर का जो प्लस वाला है वो इधर के माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ेगा, तो H2O बन गया, और सोडियम आयन क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन से जुड़ करके बना लेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये समझ में आया? और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका अभिक्रिया कर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा ये पोटेशियम और सल्फेट आपस में मिलकर बना लेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और बना लेगा जल, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NH4OH, अभिक्रिया होगा तो अमोनियम और नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा NH4NO3 और प्लस जल बनेगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, अभिक्रिया होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2 और बन जाएगा जल। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो जल के साथ बना हुआ जो दूसरा यौगिक होगा वही कहलाता है लवण। परिभाषा बोलेंगे लवण का कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक ही लवण कहलाता है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक ही लवण कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के बीच अभिक्रिया हुआ, जल के साथ एक दूसरा यौगिक बन गया सोडियम क्लोराइड, तो यह सोडियम क्लोराइड ही लवण होता है। इस तरह की अभिक्रिया को पता है क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल में अपना अम्लीय गुण होता है, क्षार में अपना क्षारीय गुण होता है, लेकिन जैसे दोनों अभिक्रिया करता है तो ना तो अम्ल बचा ना तो क्षार बचा, बन गया लवण और जल, अम्ल का भी गुण खत्म और क्षार का भी गुण खत्म। तो अम्ल क्षार के गुण को दबा दिया और क्षार अम्ल के गुण को दबा दिया, मतलब अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दिया, इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण का परिभाषा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है, और उदासीनीकरण का अभिक्रिया का परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या यह समझ में आया? लवण को पहचानने का क्या तरीका है? लवण को हम कैसे पहचानेंगे? अम्ल को तो हम उसके नाम से पहचान सकते हैं, कोई भी अम्ल रहेगा अम्ल के नाम के अंत में अम्ल लगा रहता है, जैसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सब अम्ल के नाम के अंत में अम्ल लगा रहता है। क्षार को पहचानने का क्या तरीका है? क्षार को हम पहचानते हैं धातु के हाइड्रोऑक्साइड से, नाम के अंत में हाइड्रोऑक्साइड लगा रहेगा, जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षार के नाम के अंत में हाइड्रोऑक्साइड और फॉर्मूला में OH लगा हुआ रहेगा, ठीक है। लवण को कैसे पहचानेंगे? यहाँ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु है, मेटल है, और इसका क्लोराइड, धातु का क्लोराइड लवण हो गया, पोटेशियम सल्फेट ये सल्फेट भी लवण हो गया, अमोनियम नाइट्रेट ये भी लवण हो गया, धातु का क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, जिंकेट, ये सब कहलाता है लवण।
नाम के अंत में, यौगिक के नाम के अंत में अगर क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, सिलिकेट, ये कुछ भी आ जाए, ये सब कहलाता है लवण। समीकरण को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है ना, समीकरण को बैलेंस कर देना चाहिए। तो शायद ये फर्स्ट समीकरण बैलेंस ही होगा। पोटेशियम यहाँ दो है, तो यहाँ पर हम दो लगा देंगे। और इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि सल्फर एक है, सल्फर एक है बराबर है, हाइड्रोजन दो है बराबर है, ऑक्सीजन इधर दो चार और दो छः है, ऑक्सीजन इधर चार एक पाँच हो गया, तो यहाँ दो लगा देंगे, हाइड्रोजन हो गया चार, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया चार, बराबर हो गया। यहाँ पर NH4NO3H2 ये बैलेंस है। यहाँ क्लोरीन दो है, तो यहाँ क्लोरीन के आगे दो लग जाएगा, हाइड्रोजन हो गया दो और दो चार, तो यहाँ पर दो लग जाएगा, अब हो गया होगा बैलेंस, ठीक है ना। जब भी केमिस्ट्री में हम कोई समीकरण लिखते हैं तो समीकरण को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो समीकरण संतुलित है या नहीं, यानी तीर चिन्ह के दोनों साइड अभिकारक में और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बराबर कर देना चाहिए, यानी समीकरण को संतुलित कर देना चाहिए। असंतुलित समीकरण गलत माना जाता है, ठीक है ना। अगर असंतुलित समीकरण रहेगा तो उसको गलत माना जाएगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए और लवण भी पढ़ लिए। क्या अम्ल, क्षार और लवण में किसी को कोई दिक्कत? आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग आगे कल बात करेंगे, अगला वीडियो कल आएगा, ठीक है ना। अभी अम्ल, क्षार और लवण के परिभाषा में किसी को कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, अगले लेक्चर में आपके क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत गर्मी लग रही है। थैंक यू सो मच, अगले क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।